खेसारी लाल यादव की फिल्म भाग खेसारी भाग का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रीजर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए ट्रेलर को मिलना तो लाजमी है। खैर, ट्रेलर की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही आपको दिखेंगे बाढ़, सूखे और भूकंप के नजारे। इन सब की वजह है पनौती। पनौती कौन? फिल्म का हीरो खेसारी लाल यादव। जी हाँ, जो कि पूरे गांव के लिए पनौती बना है। जिसे सांप भी अगर काटे तो सांप मर जाए, लेकिन खेसारी बच जाते हैं। और भाई तो और, ये सब तो ठीक था, लेकिन हर कोई खेसारी को गांव से भगाना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरह खेसारी गांव छोड़कर चले जाए। ये सब तो ठीक था, लेकिन खेसारी के पिता भी ऐसा ही चाहते हैं। खेसारी इन सब से तंग होकर भागना चाहते हैं, लेकिन खेसारी इस फिल्म में किसी के लिए लकी भी हैं। वो कोई और नहीं, फिल्म की हीरोइन स्मृति सिन्हा है। बड़े लंबे अंतराल के बाद स्मृति और खेसारी की जोड़ी आती है साथ, लेकिन ये क्या, कुछ मजा नहीं आया। जी हाँ, खेसारी और स्मृति की जोड़ी में वो फ्रेशनेस नहीं है। और तो और, ट्रेलर में कहीं ना कहीं ये लगता है कि खेसारी स्मृति को ढो रहे हैं, स्मृति के ओवरवेट को अपने स्टारडम के आगे कवर कर रहे हैं, लेकिन वो कवर ही नहीं हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब आगे क्या होता है। खेसारी इसी उधेड़ बुन में रहते हैं और भागते रहते हैं। तभी उनकी मुलाकात उनके कोच, उनके गुरु से होती है। वो उन्हें कहते हैं कि बहुत भाग लिए अपने लिए, अब भागो देश के लिए। और वो सभी के सामने ये कहते हैं कि खेसारी के रूप में वो कोहिनूर हीरा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और खेसारी की इस फिल्म में मेहनत भी दिखती है। खेसारी पूरी तरह से अपने आप को बदल चुके रहते हैं इस फिल्म में, क्योंकि आप उनकी बॉडी फिजिक जो भी देखेंगे, सब कुछ आपको परफेक्ट नजर आएगा। एक स्पोर्ट्समैन की स्फूर्ति है उनके अंदर। बात रही यहाँ पर एक्शन की और डायलॉग की, तो आपको बता दें कि एक्शन हीरा यादव का है। और एक्शन के मामले में इस फिल्म में ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म ही स्पोर्ट के ऊपर आधारित है। इसका मेन फोकस तो स्पोर्ट है, स्पोर्ट का मैदान है। वो लग रहा है कि फिल्म के ट्रेलर में इसकी जरूरत है, इसलिए रखा गया। साथ ही साथ बात करें डायलॉग की, तो डायलॉग इतने उम्दा नहीं है। हो सकता है खेसारी के फैंस को थोड़ा निराशा हो, क्योंकि हर एक फिल्म में खेसारी का कोई न कोई एक ऐसा डायलॉग रहता है जो लोगों के जुबा पे होता है। इन सब कमियों को परे रख दिया जाए तो ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, फुल पैकेज लग रहा है, जिस तरह से एक मसाला फिल्में होती हैं। और साथ ही साथ अब खेसारी की फिल्में चाहे जितने भी बने, वो एक मैसेज देती हुई नजर आती है, और ये फिल्म भी आपको एक मैसेज देती नजर आएगी। फिल्म का ट्रेलर खत्म होते होते शायद आपके आंखों में आंसू भी आ जाए, क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसा दृश्य है जहाँ ट्रेन में फाइटिंग सीन करते हैं और फाइट करते करते वो नीचे गिर जाते हैं और उनका पैर आ जाता है रेल के पटरियों के नीचे और वो कट जाता है। फिर किस तरह से खेसारी दौड़ लगाते हैं और खेसारी आगे इस दौड़ को जीतते हैं, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखना जरूरी है, जो कि रिलीज हो रही है छठ के पर्व पर। तो जाइए, हम यही कहेंगे कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए और इस फिल्म को देखिए। जाते जाते इस फिल्म को हम देते हैं 5 में से 3 स्टार। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।